अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? एंड मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया टिप फुलफिल हुई है। ये वीडियो आपके लिए एज अ गाइडलाइन प्रूव होने वाली है थ्रू आउट द 12th क्लास। ये बहुत ज्यादा गोल्डन टिप्स है और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टिप्स अच्छी फ्रूटफुल प्रूव हुई थी। जिससे आपको पता लगेगा की यस ये गलतियां आप कर रहे थे या ये गलतियां आपको नहीं करनी है और इन चीजों को आपको मस्ट फॉलो करना है। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते चलते हैं तो फ्रेंड्स मैं गारंटी करता हूँ जो भी आप टारगेट रखेंगे क्लास 12th के एग्जाम्स में कि मेरे को इतने परसेंट नंबर लाने हैं वो आपका टारगेट फुलफिल होएगा ही होएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप 12th क्लास में हो चुके हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? डिसाइड योर गोल। अगर फ्रेंड्स आपने गोल ही डिसाइड किया तो आपको पढ़ाई में ना तो मन लगेगा ना तो आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़ सकते। सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि मुझे 12th में, हो सकता है किसी का गोल परसेंटेज में हो कि मुझे इतने परसेंट 12th में नंबर लेके आने हैं, इतने परसेंट का मेरे लिए टारगेट है तो मुझे इतने परसेंट मार्क्स लेके आने 12th में, या फिर किसी का और कोई टारगेट हो सकता है कि मान लो कि मुझे इन फ्यूचर ये कैरियर परस्यू करना है या ये सब चीजें परस्यू करनी है। तो उन सब के लिए जो भी आपका गोल है वो आपको आज ही पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे अपनी 12th क्लास एग्जाम में। और फ्रेंड्स, गोल की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? एक मिनट सोचो इसके ऊपर। कुछ सोचेंगे माउंटेन क्लाइंब करने के लिए इक्विपमेंट्स, कुछ सोचेंगे शूज चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए वो है माउंटेन। यानी कि ये माउंटेन क्लाइंब करना आपका गोल था और आपको गोल ही तो सबसे पहले चाहिए, तभी तो आप कुछ स्टेप आगे ले पाएंगे। तो सबसे पहला आपका काम है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लेना है। आज से ही अभी अपना गोल एक पेन पेपर पे लिख लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी टिप्स मैं दे रहा हूँ ना यार, उन्हें एक जगह नोट जरूर कर दी जाइए। अगर आप उन टिप्स को नोट नहीं कर रहे तो आपको उन टिप्स को कोई फायदा नहीं होगा। आप उन इस वीडियो को देखेंगे चलो खत्म बात नहीं, आपको इन 10 टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी टिप आती है नो योर सिलेबस। मैं फ्रेंड्स आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ना बच्चे क्या करते हैं, सारा 12th पढ़ रहे हैं वो, उन्हें यही नहीं पता कि सिलेबस में ये चीजें ऐड है ये चीजें नहीं है या ये चीजों की इतनी इम्पोर्टेंस है इन्हीं चीजों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको क्या करना है, शुरू दिन से ही अपने पास या तो आप अपना सिलेबस एक पेन पेपर लेके लिख लीजिए या फिर उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। साइट पे पढ़े हैं, पीडीएफ की फॉर्म में पढ़े हैं, मेरे फोन में पढ़े हैं, कंप्यूटर में पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, ऐसा उस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास आपका सिलेबस हार्ड कॉपी की फॉर्म में नहीं है। आपको अपने सिलेबस की एक एक बात पता होनी चाहिए, तभी जाके आप एक्सेल कर सकते हैं आगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है वो बताएगा आपका सिलेबस, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सिलेबस आपका होना चाहिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के बेस पे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स जो होती है उनके बेस पे आपका सिलेबस होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स फ्रेंड्स आपके लिए ना एक रामबाण उपाय है। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीड करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने टारगेट रखा है ना मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी इज द ओनली ऑप्शन। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे ग्रिप बनानी पड़ेगी, तभी आप सोच सकते हैं कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम चलते हैं अपनी थर्ड टिप। थर्ड टिप में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टिप बताने वाला हूँ। ये टिप आप मस्ट 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 फॉलो आपको करनी है। सबसे पहले आपने बनाना है गोल। अब आप कहेंगे भैया गोल तो आपने फर्स्ट टाइम इसमें भी बता दिया, इस गोल का क्या मतलब है? इस गोल का मतलब है आपका डेली गोल, आपका वीकली गोल और आपका मंथली गोल। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो आपको अपना डेली गोल बनाना है। हर दिन आपको पता होना चाहिए कि इस दिन में मैंने एज अ चेकलिस्ट की फॉर्म में आप बनानी चाहिए, मैंने ये काम आज इस दिन में
सोने से पहले ये सारे काम मुझे खत्म करने थे, ठीक है। तो आपको अपना डेली गोल डिसाइड करना है कि आज मैं ये टॉपिक्स, ये चीजें, इस सब्जेक्ट का ये पार्ट, इतने इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, ये सब खत्म कर उठूंगा। जब आपकी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए, मतलब आप समझ जाइए कि आज आपने अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया। तो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले आपने अपना डेली गोल बनाना है। डेली गोल जब बन जाएंगे या उसके बाद आपने वीकली गोल्स पे फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये वीक नंबर वन चल रहा है, तो आपने वीक वन में किन किन चीजों को कंप्लीट करना है, इन इन चैप्टर्स को, इन इन चीजों को देखते हुए आपने पूरा अपना वीकली गोल बना लिया कि सिलेबस के हिसाब से मुझे इतना काम या इतने क्वेश्चंस या इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं इस पर्टिकुलर वीक। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आप अपना धीरे धीरे करके डेली गोल चेंज करते जाओगे। और आपने कुछ भी करके नियरली 80% कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, किसी भी सिनेरियो में, चाहे आपकी किसी की शादी हो, चाहे आपकी खुद की शादी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने कम से कम 80% अपने इन गोल्स का अचीव करना ही करना है। वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि आप 100% अचीव करो, फिर भी अगर मैं आपको थोड़ी सी डेविएशंस का मौका दूं तो आपको कम से कम 80% तो करना ही करना है इन सारे गोल्स को फुलफिल। तभी आप सोच सकते हैं कि आपके एक अच्छा एडमिशन होएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होएगा, या आपकी एक अच्छी परसेंटेज 12th क्लास में आने वाली है। तो आपने वीकली गोल बना लिया, आपने मंथली गोल बनाना है। मंथली गोल में मान लो अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अप्रैल के एंड होने तक मैंने ये चैप्टर इतना पार्ट मेरा खत्म हो जाना चाहिए। ये सब चीजें आपको पहले डिसाइड करनी है, आपका डेली गोल, आपका वीकली गोल, आपका मंथली गोल। अगर आपको ये तीन गोल्स पता होंगे, ये तीन चीजों के बारे में अच्छे से बताएगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता अपना टाइम को अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज करने से। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड टिप है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ टिप की तरफ। फोर्थ टिप की तरफ बढ़ते हुए मैं बताता हूँ फोर्थ टिप क्या है। मान लो आपने अपने डेली गोल्स बना लिए, वीकली गोल्स बना लिए, अपने मंथली गोल्स बना लिए। अब मान के चलो एक सिनेरियो लेके चलता, आपने चैप्टर वन खत्म कर दिया, चैप्टर टू खत्म कर दिया, इस पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का आपने ये दो चैप्टर्स खत्म कर दिए। इसके बाद आपका क्या काम होने वाला है, आपने करने हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्टिंग से फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज या तो आपको नेट पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या आप इनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक ले सकते हैं। बुक लेने के लिए फ्रेंड्स मैं ज्यादा कोर्स नहीं कर रहा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी बुक लीजिए, नहीं तो आपको नेट पे सारा कुछ इजीली अवेलेबल है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने PYQs हर एक चैप्टर के साथ की साथ करते हुए चलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि एक दो तीन चार चैप्टर इकट्ठे कर लेते हैं फिर उसके बाद हम PYQ करेंगे, नहीं। अगर आपका चैप्टर वन कम्प्लीट हो चुका है तो आज ही या अगले दिन ही अपने वीकली गोल में या डेली गोल में सेट कर लीजिए कि मैंने PYQ करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। क्योंकि अगर आप चैप्टर की PYQ साथ के साथ करते हो चलते ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ चैप्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ चैप्टर के बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं। तो अगर आप अपने PYQ साथ साथ करते हुए चलते हैं चैप्टर्स की, तो आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरी ये एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैप्टर वन कर लिया है ना कंप्लीट, जितने हो सके उसके क्वेश्चंस करो, पूरा जोर लगा दो जितने आप क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कर सकते हैं, जितना आप अपना 100% उस चैप्टर की ओर दे सकते हैं आप उसको दीजिए। 100 भी मैं कहूंगा, 110% दीजिए इसके क्वेश्चंस करने की ओर। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मास्टर भी अचीव करते जाओगे उस चैप्टर में, और वही हमारा काम है और वही एक मंत्र है ताकि आप अच्छे से अपने उन गोल्स को अचीव कर सके जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में सेट किया था। तो होपफुली आपके बात क्लियर होगी क्योंकि आपने PYQs बनाने हैं। फिफ्थ में आपको बता दूं, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये है ओन नोट्स। आपके खुद के हाथ के बने हुए नोट्स होने चाहिए। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, BST एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स के लिए मैं कहूंगा खुद के थ्योरी के खुद के नोट्स होने चाहिए, या और जो भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में आपके लिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, वो भी खुद के।
आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरे पास कॉमर्स थी, मैंने इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी और इंडियन इकोनॉमिक का भी वन शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ, जिसके अंदर मैंने 2:32 hours 30 minutes के अंदर आपको पूरा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग और इंडियन इकोनॉमिक्स अलग कंप्लीट करा रखा है, वो भी मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए खुद के नोट्स बनाना इन सब सब्जेक्ट के। अगर आप लास्ट तक खुद के नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी अपनी 5 टिप्स हुई है, मैंने आपको कहा था मैं 10 टिप्स आपको दूंगा और होपफुली आपको ये अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप अपना कमेंट छोड़ के जाते हैं, ठीक है। और लास्ट की जो 2 टिप्स है ना, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो सारे साथ, काम कोई पहाड़ तोड़ने वाला नहीं है, पर वो टिप्स ऐसी है अगर आप उन टिप्स को पूरे साल फॉलो करते चलते हो आपको कहीं भी किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो अपनी जो 6 नंबर टिप है वो है कि आपने 1+1+1 ऐसा काम नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 1 का मतलब है एक बुक फॉलो करो, एक टीचर फॉलो करो और एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, आपने मान लो आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आपने एक बुक फॉलो करनी है, ऐसे नहीं आप मल्टीपल बुक्स फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, टीआरजेएन बुक भी पढ़ रहे हो, वीके ओबरॉय वाली भी बुक पढ़ रहे हो, ऐसा आपने काम नहीं करना। एक बुक सिलेक्ट करी, एक टीचर की गाइडलाइन लोगे। फ्रेंड्स मेरी बात मान लो, 12th खत्म हो जाती है बच्चों की और बच्चे सिर्फ एक ही काम करते रहते हैं, मल्टीपल टीचर्स पर डिपेंड है, मल्टीपल ट्यूशंस लगा रखी है हर एक सब्जेक्ट की, अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो वो मल्टीपल टीचर्स से पढ़ रहे हैं, ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना। अपना एक बुक डिसाइड करो, एक टीचर डिसाइड करो कि इस टीचर की गाइडेंस के अंदर मैं पढ़ने वाला हूं, ये जो टीचर जो भी बातें बताएगा उन सभी बातों को मैंने फॉलो करना है। एक तरह से ये टीचर आपका सब्जेक्ट टीचर तो है ही है, साथ ही साथ आपका मेंटर है जो आपको रोड बता रहा है कि आपने 100 out of 100 कैसे स्कोर करने हैं 12th के अंदर, ठीक है। तो आपने अपने मेंटर की सारी बात सुननी है और एक ही मेंटर होना चाहिए, 10-10 मेंटर रखने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। अब स्ट्रेटजी क्या आती है कि आपने उस एक टीचर से पढ़ा, एक बुक से पढ़ा, अब आपको उसी की मल्टीपल रिविजन करनी है, ठीक है। बार बार नए नए डाटा पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार नई नई बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक साल खत्म होने के लास्ट तक भी बच्चों के कमेंट आते हैं भैया ये वाली बुक पढ़ ले, ये वाली बुक पढ़ ले, ये वाली बुक पढ़ ले, इस चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने ये 3 चीजें बताई है, इन 3 चीजों को अच्छे से फॉलो करते चलना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और होपफुली आपको ये 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होगी, तो आपको इन 3 चीजों को अच्छे से फुलफिल करते चलना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा 7th पॉइंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, 7th पॉइंट है हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन, या मैं कहूँ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपका जो भी गोल है आपने डिसाइड करना है, आपने अपने आप को डेली वो रिमेम्बर कराना है, डेली याद कराना है कि मेरा गोल ये था और मैंने इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, या मैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करूंगा या इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करूंगी डेली। या तो आप सुबह उठते साथ मॉर्निंग के अंदर या आपको नाइट के अंदर एक टाइम ऐसा फिक्स कर लो कि आपको अपने आप को डेली याद कराना है कि मेरा गोल ये था और मैं इस गोल को अचीव करूंगा या मैं इस गोल को अचीव करूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, साल के शुरू से या जिस भी स्टेज पे आप आ चुके हो फिलहाल 12th की, उस दिन से ये अपना एक रूल बना लो अपनी लाइफ का कि आपने अपना गोल जो डिसाइड किया था फर्स्ट स्टेप में उसको डेली आपने आपको याद कराना कि मैं आज ये करूंगा, मैं आज ये करूं ताकि मैं अपने इस फ्यूचर गोल को अचीव कर सकूं। मेरा गोल ये है और मैं इस गोल को अचीव करूंगा ही करूंगा या करूंगा करूंगी ही करूंगी। तो आपको अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, रोज अपने आप को याद दिलाना है, ठीक है। रोज अपनी कुछ मर्जी करो, बस आपको अपना गोल याद होना चाहिए कि मैंने पर्टिकुलरली ये गोल फॉलो करना है और मेरा ये गोल है। अब हमें चलते हैं अपनी 8th की बात की है टीच योर सेल्फ। ये एक बहुत बढ़िया और मैं मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया टिप
कि अपने आप को टीच करो। देखो या तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप पढ़ा सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिसको आप खुद पढ़ रहे हो अभी 12th क्लास में, या तो अपने फ्रेंड्स को समझाओ या अपने आप को ही समझाओ एज अ टीचर कि मैं इस टॉपिक को ऐसे समझा रहा हूँ, उन सारी चीजों को क्लियर करो, जो जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करो। जब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपको वो चैप्टर पहले आता था, या अपने फ्रेंड्स को समझाओगे जितना आपको वो चैप्टर पहले आता था उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से आपकी उस चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को समझाओ। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे मैंने बताया था आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लियर कर लिया, खत्म कर दिया, उसके बाद आपने उसके PYQ क्वेश्चन कर लिए जो कि मैंने थर्ड स्टेप में आपको बताया था, उसके बाद अपने आप को पढ़ाना मत भूलना। अपने आप को पढ़ाओ, अपने दोस्तों को पढ़ाओ, अगर आपसे कोई डाउट पूछ रहा है उसका डाउट का आंसर दो, जैसे मर्जी करो, पर टीच योरसेल्फ इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल फील हुई है। मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती थी शुरू में, पर जब मैंने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स के डाउट क्लियर करने शुरू करे, लास्ट तक आते आते ना फ्रेंड्स उस चैप्टर्स पे, उन बुक्स पे मेरी अच्छे से ग्रिप बन चुकी थी, क्योंकि मैंने बार बार उनकी प्रैक्टिस करी, बार बार उनको पढ़ाया, एक दूसरे जने को पढ़ाया, जिस वजह से आपका भी उस पर अच्छा ग्रिप बन जाएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को टीच करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमेशा जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको अलग अलग बच्चों को, अलग अलग अपने आप को पढ़ाओ। अगर आपको कोई बच्चा नहीं भी मिलता है ना तो अपने आप को पढ़ाओ। 9th हमारे पास जो टिप आती है, 9th टिप के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये इम्पोर्टेंट है, देखो कंपल्सन नहीं है पर ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपने 95% से ऊपर मार्क्स स्कोर करना, ठीक है ना, 95% से ऊपर मार्क्स स्कोर करना, तो उसके लिए स्टडी टेबल एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कभी भी बेड पे लेट के नहीं पढ़ोगे, कभी भी जमीन पे बैठ के नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो स्टडी टेबल पे पढ़ोगे। स्टडी टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो आपकी कंसंट्रेशन 100% होती है, मींस इससे ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट और फोकस आप कहीं भी नहीं कर सकते। तो आपको एक स्टडी टेबल रखनी है या एक पर्टिकुलर स्टडी स्पेस बना लो अपना कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में ही पढ़ना है। जो ये लास्ट की 3-4 टिप्स मैं आपको दूंगा ना फ्रेंड्स, जो 10 टिप अपनी रह गई होगी, 3 टिप्स, ये बहुत ज्यादा गोल्डन टिप्स है और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टिप्स अच्छी फ्रूटफुल प्रूव हुई थी। तो आपको भी इन सारे टिप्स को फॉलो करना है। तो अपनी एक स्टडी टेबल डिसाइड कर लो कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के मैं पढ़ूंगा, तो आपने उसी पर्टिकुलर जगह में बैठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं करोगे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप आज बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो थोड़ी देर पढ़ोगे 10-15 मिनट, 10-15 मिनट बाद आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, पोस्चर चेंज होते होते आपको ये नहीं पता लगेगा आप कब सोगे या कब आपको नींद आने लगेगी, जिससे आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा और आप बुक बंद करके सोने लग जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना, स्टडी टेबल में पढ़ो अगर आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 10 की तरफ। टिप नंबर 10th में मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, बाकी सारी टिप्स को तो फॉलो करना ही करना है, पर इस टिप को फॉलो करना है, मस्ट है, 100% है इस टिप को फॉलो करना है। और ये टिप है स्माइल एंड स्टडी, मींस खुश होके पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उसको एज अ बर्डन नहीं लेके चलना। अगर आप अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर्स को खुश होके पढ़ रहे हो, एक अच्छे मन के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी उस चैप्टर में, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि मन ही नहीं कर रहा यार पढ़ाई का। आप देखना फ्रेंड्स, इन सारी टिप्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते चलते हो तो आप एक अच्छा स्कोर 101% कर पाओगे 12th क्लास के अंदर। तो लास्ट टिप बहुत ज्यादा जरूरी है यार, स्माइल एंड स्टडी, जितना पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, खुश होके पढ़ो, कभी भी पढ़ाई को एज अ बर्डन लेके मत चलना, नहीं तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, सिर्फ स्माइल, खुश होके पढ़ना है, जो भी चीज पढ़ रहे हो पूरे मन के साथ, फोकस के साथ, खुश होके आपको पढ़ना है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।